नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। कोरोना से एक बार संक्रमित हो जाने के बाद सामान्य तौर पर लोगों को अगली बार के लिए सुरक्षित मान लिया जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक संक्रमण हो जाने के बाद शरीर में बनी एंटीबॉडीज अगली बार संक्रमण से उस व्यक्ति को सुरक्षित रखती है। हालांकि हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया कि कोरोना से ठीक होने वाले लोग दोबारा से संक्रमित हो सकते हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि लोगों में संक्रमण के बाद प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया अलग अलग देखी गई। कुछ लोगों में पाया गया कि शरीर में बनी एंटीबॉडीज अल्फा और बीटा जैसे वेरिएंट से मुकाबले के लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक नहीं मानी जा सकती। इस शोध के बाद से बहस शुरू हो गई है कि क्या संक्रमण के बाद शरीर में बनी एंटीबॉडीज प्रभावी नहीं होती हैं। एक अध्ययन के प्रीप्रिंट रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने यह बताया कि लोगों में सुरक्षा के एसिम्प्टोमेटिक लक्षण रहे हों या सिम्प्टोमेटिक, इसके आधार पर लंबे वक्त तक कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित मानकर चलना सही नहीं है, विशेषकर तब जब कोरोना के तमाम तरह के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। अध्ययन में एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक दोनों तरह के लोगों पर शोध कर संक्रमण के बाद शरीर में बनी एंटीबॉडीज के बारे में जानने की कोशिश की गई। वहीं अध्ययन से निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि ये एंटीबॉडीज कोरोना के अल्फा और बीटा वेरिएंट से मुकाबले के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में ये मानकर चलना कि जिन लोगों को एक बार संक्रमण हो गया है उन्हें दोबारा इसका खतरा नहीं है, ये गलत है। कोविड-19 के बाद बनी प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं एक व्यक्ति से दूसरे में अलग अलग हो सकती हैं। इतना ही नहीं, एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक रूप से संक्रमित रह चुके कई लोगों में 6 महीनों बाद तक एंटीबॉडीज नहीं देखी गई। सिम्प्टोमेटिक रूप से संक्रमण का शिकार रह चुके अधिकांश लोगों में 6 महीने बाद तक औसत दर्जे की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया देखने को मिली। ऐसे में दोबारा संक्रमण होने का खतरा नकारा नहीं जा सकता। अध्ययन से जुड़े शोधकर्ताओं ने बताया कि लोगों को सिर्फ इस आधार पर खुद को सुरक्षित मानकर नहीं चलना चाहिए कि वो एक बार पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। सभी लोगों को कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए वैक्सीनेशन की जरूरत तो है ही, क्योंकि यही एक उपाय है जो आपको सुरक्षित रख सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।